छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी कांग्रेसियों ने किसानों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों का कहना है कि यह बिल पूर्ण रूप से किसानों के खिलाफ है, इससे किसानों की स्थिति और बदतर हो जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी रामानुजगंज एवं क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह के आह्वान पर किसान कृषि बिल को लेकर पैदल रैली निकाली गई। यह रैली NSUI जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में निकाली गई है। विरोध प्रदर्शन करने के पश्चात महात्मा गांधी चौक पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन भी किया गया। इस अवसर पर अरुण अग्रवाल, अरविंद दुबे, विकास गुप्ता, आलोक गौर, जसवंत सिंह, अभिषेक सिंह व अमित जायसवाल मौजूद रहे। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। जुलूस निकाला गया, किस उद्देश्य को लेकर आपने जुलूस निकाला? आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जयंती है। इस अवसर पर हमारे कांग्रेस कमेटी और हमारे सम्माननीय विधायक बृहस्पति सिंह जी के आह्वान पे हम सभी कांग्रेस के लोगों ने आज रैली निकाल करके नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान विरोधी बिल पास किया है, जो गरीब किसानों को मजदूर बनाने पे मजबूर कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने पैदल मार्च किया है और किसान विरोधी नरेंद्र मोदी का नारा भी लगाया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ 2-4 अंबानी अदानी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत की भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार जो है वो किसान विरोधी बिल पास कर रही है, जिससे आने वाले समय में किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन और दयनीय होती जाएगी और अंबानी अदानी और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा अभी 6-8 महीने से हमारे भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन जैसा माहौल है, लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। वहीं पर हमारे जो देश के कुछ बड़े उद्योगपतियाँ हैं उनकी जो आमदनी है वो 4 गुना 8 गुना कैसे हो गई है, ये सोचने की विषय है और इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी पता है कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेसजन हमें जैसा कि हमेशा से गांधी जयंती मनाते आए हैं, आज भी उसी क्रम में हम सभी सीनियर कांग्रेस, युवा कांग्रेस और अन्य सेवा के साथियों ने मिलकर के गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और गांधी जयंती मनाया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।